जी अस्सलाम वालेकुम ला यार आज की वीडियो सर्बिया वर्क परमिट के बारे में मैं सर्बिया वर्क परमिट वालों को जो जितने भी जो सर्बिया जाना चाहते हैं मैं उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है यार खुदारा जिन्होंने अभी वीज़ा नहीं अप्लाई किया तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर्बिया का वीज़ा मत अप्लाई करें सर्बिया क्योंकि सर्बिया को देखा जाए ना सर्बिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना ये एशनडियन का पार्ट है ये ना तो ये बस यूरोप के अंदर है ईयू का पार्ट नहीं है तो और ऊपर से देखा जाए सर्बिया से आगे जाना भी मुश्किल है और दूसरी ये बात कि सर्बिया की पाकिस्तान में अम्बेसी नहीं है और सर्बिया जाने के लिए आपको यू ए या ईरान जाना पड़ता है उसका ख़र्चा भी आपके ज़िम्मे होता है अम्बेसी की फ़ीस आपके ज़िम्मे होती है और बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी तकरीबन अगर आप दो से ढाई लाख रुपया देंगे बैंक स्टेटमेंट बनाने का भी अगर आपके पास तीस पैंतीस लाख नहीं है क्योंकि आठ हज़ार यूरो से लेकर दस हज़ार योरों रिक्वायरमेंट है तो इसलिए जो है ना आप इस चीज़ से बचें सर्बिया के वीज़े से बचें जो आपको कहता है ये वो ये वो लेकिन मैं मेरे हम भी सर्बिया का, का काम करते हैं लेकिन मैं सबको यही कहता हूं कि आप सर्बिया का काम मत करवाएं आप रोमानिया करवा करवा करवाए बोसिया के कर 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 पाकिस्तान में अम्बैसी अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता तो आपका जो है ना ईरान का खर्चा जहाँ धाबी का खर्चा वो आपका वेस्ट हो जाता है ना आपका और आप आपका कितना नुकसान होता है तो इसलिए जो ना आप उससे पहले ये है कि आप रोमानिया का कर ले बेश टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपके लिए बेनिफिट है रोमानिया में जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़बरदस्त है रोमानिया के लोग रोमानिया की हर चीज़ अच्छी है और रोमानिया में पाकिस्तान रोमानिया की पाकिस्तान में अम्बेसी भी है तो इस लिहाज से हर लिहाज से देखा जाए रोमानिया ज़बरदस्त है बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको बेहतर लगता है वह करें और बोसिया का भी देखा जाए तो बोसियाँ भी ज़बरदस्त है ठीक है बोसियाँ लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये भी हिस्सा नहीं है यूरोप के अंदर है लेकिन यूरोपियन ईयू का पार्ट नहीं है ना ईयू का पार्ट है ना शेंजन का तो इसलिए जो है ना इस चीज़ से बचे बाकी आपकी मर्ज़ी अपना ख्याल रखे दो में यार के चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दे नहीं करना तो तब भी कोई मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी तो बाक़ी अगर आपने सर्बिया बोसिया रोमानिया किसी भी कंट्री में जाना चाहिए आपको आप हमसे रहाता कर सकते हैं लेकिन मैं आपसे अपील यही करता हूं कि आप जो है ना सर्बिया का मत अप्लाई करें बाकी जैसा आपको बेहतर लगता है अपना ख्याल रखें दो में जाम